एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए हम देखें तो कौन से कोर्स में जाने का स्टूडेंट को बेनिफिट है, जिसके बाद क्योंकि स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो, अगर कोई ऑन कैंपस प्लेसमेंट है, कॉलेज कोई प्लेसमेंट वगैरह में हेल्प करता है, वो भी क्या एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपना एक लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है, मतलब तो बहुत बड़ा डिसीजन वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट पहले जाएगा, उसके बाद क्या जॉब अपॉर्चुनिटी, तो किस कोर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन कौन से कोर्स जो डिमांड में है, उसके बाद उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी रहती और अभी अगर हम देखें जॉब मार्केट जो मैनिटोबा की है उसमें आईटी सेक्टर है, है। स्किल ट्रेड सेक्टर है, वो सारे बहुत इन डिमांड जॉब्स है वहाँ पे। तो स्टूडेंट अगर आईटी प्रोग्राम करते हैं या जो है स्किल ट्रेड्स होते हैं, और वो भी हेल्थ साइंस भी है, वो सारे जो सेक्टर्स है वो हाईली इन डिमांड है। तो अगर वो कोर्सेज उसमें करते हैं तो देर आर हाई चांसेस कि उनको जॉब ऑफर्स इजीली मिल सकती है ग्रेजुएशन के बाद। बेसिकली अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रेड रिवर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो कितना टाइम कॉलेज लेता है ऑफर देने के लिए? मिनिमम 4 वीक्स टाइम कॉलेज को लगता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी इनटेक पे भी अप्लाई करते हो। इफ अगर वो अप्लाई करते हैं कि कोई इनटेक जो जल्दी आ रहा है, तो दे कैन ऑलवेज अकोमोडेट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एक्सपेडिटेड। दूसरा, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे जो मेन स्टूडेंट के लिए रहता है वो फीसिस का रहता है। कितना फीस स्ट्रक्चर रेड रिवर कॉलेज का है, क्या कोई कॉलेज कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, और अराउंड वैसे जैसे एक ही कोर्स की बताना तो मुश्किल रहता है, अराउंड जो फीस है वो कितनी रहती है रेड रिवर कॉलेज की, ऑफर की कितनी फीस है, टोटल क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है? ऑन एन एवरेज अगर आप देखिए जो सारे कोर्सेज रेड रिवर कॉलेज ऑफर करता है, तो फीस वो रेंज फ्रॉम $15,000 टू अबाउट $20,000 फॉर 1 year, कैनेडियन कनेडियन डॉलर्स। डॉलर्स फॉर 1 year। ओके ओके और जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो आपको पेमेंट पर टर्म करनी होती है, तो ठीक है। हाँ, वो भी। पहले वीजा के लिए 1 ईयर की पेमेंट आ जाती है, हाँ उसके बाद जी अगर स्टूडेंट 2 ईयर कोर्स में हाँ जाता जी, है तो टर्म वाइज भी पर अपनी टर्म फीस रहती होती है। है। हाँ ओके, जी, और दूसरा जो ऑफर की कितनी फीस रहती है? तो अगर आपको एक्सेप्ट करना है ऑफर रेड रिवर कॉलेज का, तो यू विल हैव टू मेक अ डिपॉजिट ऑफ $3,000। ओके, उसके बाद हम सीट सिक्योर कर सकते हैं, बाकी फीसेस के लिए टाइम लगेगा। हाँ जी पहले $150 ऑफर की पे करके, हाँ देन जी ऑफर आता है तो उसके बाद स्टूडेंट के पास अगर एक टाइम पे पेमेंट रेडी भी नहीं होती तो हाँ वो 3,000 कैनेडियन डॉलर देके अपनी जो फीस है वो कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकता हाँ है, जी उसके बाद जो उसके पास दूसरी फीसेस के लिए टाइम रहता है। हाँ जी दूसरा, अगर मैडम बात करें फैकल्टी कैसी है रेड रिवर कॉलेज की, और दूसरा अगर एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं जा रहा हूँ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट का रहता है कि चलो साथ में पार्ट टाइम काम की भी ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा पहले तो था 20 आवर पर वीक का टाइम देते थे, अभी तो फुल टाइम उन्होंने कर दिया। फैकल्टी कैसी है और कितने वीक में कितने दिन स्टूडेंट को कॉलेज जाना पड़ता है, और क्या पार्ट टाइम के लिए उसके पास टाइम बचता है? सो रेड रिवर कॉलेज में हमारे पास वेरी सपोर्टिव फैकल्टी है स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास एक डेडिकेटेड स्टूडेंट सपोर्ट टीम है जो डिफरेंट कैंपसेस में डिवाइडेड है, तो स्टूडेंट को हमेशा एक सपोर्ट रहता है कि अगर उनको कोई भी फाइनेंशियल इशू है, पर्सनल इशू है, एकेडमिक इशू है, तो देयर इज ऑलवेज समवन टू रीच आउट। तो हम ऑलवेज एनकरेज करते हैं स्टूडेंट को कि अगर उनको कोई भी हेल्प चाहिए तो वो हमारे पास आए, वी विल बी एबल टू हेल्प देम थ्रू ओके, दैट। दूसरा मैडम, एक कोऑप प्रोग्राम, कोऑप का बहुत बड़ा रोल रहता है स्टूडेंट एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट कनाडा जा रहा है, क्योंकि कोऑप में उसके पास ऑप्शन होती है स्टडी के साथ साथ मार्केट में भी काम करने के लिए, फील्ड में जाके काम करने के लिए। क्या रेड रिवर कॉलेज कोऑप ऑप्शन देता है स्टूडेंट को ड्यूरिंग द स्टडी कोऑप के लिए? रेड रिवर में है ऑप्शन, अगर है तो क्या कॉलेज उसमें हेल्प करता है स्टूडेंट को कोऑप लेने के लिए? तो हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें कोऑप इंक्लूडेड है और वो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग होता है। तो स्टूडेंट के पास कुछ प्रोग्राम्स में दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कोऑप कर सकते हैं, या तो इंडस्ट्री लर्निंग जहाँ पे लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट उनके पास आता है और वही एक्सपीरियंस वो कॉलेज में क्लासेज में करते हैं, जो प्रोजेक्ट वो बाहर करेंगे, और वो सब उनको कॉलेज के पास से सपोर्ट मिलता है। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कनेक्ट करवाते हैं उनसे, इंटरव्यूज के लिए हेल्प करते हैं, रेज्यूमे के लिए हेल्प करते हैं। तो आपके कोऑप के लिए आपको पूरा सपोर्ट आपके प्रोग्राम एरिया से मिलता है, जो भी प्रोग्राम में आप जा रहे हो। कई स्टूडेंट मैडम ऐसे होते हैं जिन्होंने लाइक मैथ नहीं, क्योंकि रेड रिवर में एडमिशन लेने के लिए आई थिंक मैथ चाहिए, तो उन्होंने मैथ्स वगैरह जो, क्योंकि इंडिया में है कई स्टूडेंट जो से आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं,
मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो मैथ नहीं उनके पास होता है, क्या विदाउट मैथ रेड रिवर में जो एडमिशन लेने का कोई ऑप्शन है, कोई ऐसा टेस्ट है भी स्टूडेंट दे के अपना मैथ की असेसमेंट क्लियर करा सके? हाँ जी, अगर स्टूडेंट के पास मैथ नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद जब उनके डॉक्यूमेंट्स अंडर रिव्यू जाते हैं एडमिशन के पास, तो उनको एक मैथ असेसमेंट टेस्ट देना पड़ता है, जो एक एडिशनल टेस्ट होता है, वो करने से उनको वो एडमिशन रिक्वायरमेंट वो मीट कर सकते हैं और वो अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोग्राम के लिए। और दूसरा सबसे जरूरी जो पॉइंट है वो है वीज़ा, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन हो गई उसके बाद बच्चे ने फीस वगैरह पे कर दी, अभी का जो सिनेरियो चल रहा है वीज़ा रिफ्यूजल रेट बहुत हाई है, क्या रेड रिवर कॉलेज का वीज़ा सक्सेस रेट कितना है और स्टूडेंट के वीज़ा चांसेस इस कॉलेज में अच्छे रहते हैं एज कम्पेयर अदर कॉलेज अगर आप देखें? अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें ओवर द ईयर्स, तो अप्रूवल रेट हैज़ बीन वेरी गुड रेड रिवर कॉलेज का, स्पेशली अगर आप प्रोग्राम देखें तो हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को वीज़ा में प्रॉब्लम इतनी नहीं आती। और अब हम और भी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनकी जो पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी हेल्प करें, तो भी वीज़ा में कोई आपको इशू ना हो। ठीक है, तो दोस्तों मैक्सिमम जो रेड रिवर कॉलेज के रिलेटेड जितनी भी डिटेल है मैनीटोबा प्रोविंस के लिए असं तुहाडे तक लेके आए हैं, इस तो अलावा भी जे कोई भी तुहाडी क्वेरी है कोई भी मैसेज है तो तुसी सानू मैसेज कर सकते हो, क्वेरी ड्रॉप कर सकते हो, जिन्नी जल्दी तो जल्दी होगा तुहाडी क्वेरी सॉल्व करके तुहाडे तक पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद।